हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो, जब भी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमेशा दो चीजें दी रहती है कि एक शॉपकीपर हमेशा दो चीजों को खरीदेगा और पहली वाली चीज को 15% के लॉस पर बेचेगा। मतलब पहली वाली किसी आर्टिकल को लॉस पर बेचता है, दूसरे वाले को प्रॉफिट पर बेचता है ना, और उसका सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि होल ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा उसको लॉस ही होता है ना। और लॉस निकालते कैसे हम लॉस परसेंट निकालते कैसे हैं? तो लॉस परसेंट निकालने की आपको ड्यूटी होती है, आपको कुछ नहीं करना, जितना भी लॉस दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन कर दीजिए 100, तो आपका ये हो जाएगा 25। 15 का स्क्वायर होता है 225/100, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2.25% लॉस, ये आपका आंसर। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।